हरियाणा की सोनम मलिक ने दमदार प्रदर्शन करते हुए बुल्गारिया के सोफिया में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। सोनम का ये लगातार दूसरा पीला तमगा है। बुल्गारिया में 29 जुलाई से 4 अगस्त तक समापन हुई वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में 17 साल की सोनम ने फाइनल में चीन की बिनबिन झियांग को 7-1 से हराया। गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड कैडेट में सोनम पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई। वहीं मेडल लेकर अपने गांव मदीना पहुंची सोनम का जोरदार स्वागत किया गया। सोनम के इस उपलब्धि से उनके माता पिता के साथ साथ उनके गांव में खुशी का माहौल है। अच्छा लग रहा है, जो गोल्ड आया और हमारा स्वागत हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे हमारा अब जूनियर एशिया वर्ल्ड होगा, उसकी तैयारी है। और हमारा इंटरनेशनल अब तक हमारे 7 मेडल हो चुके हैं, जिसमें 4 गोल्ड हैं और 3 ब्रॉन्ज हैं। हमारी 4 कुश्ती हुई थी, जो सेमीफाइनल तो रशिया के साथ हुई थी और फाइनल चाइना के साथ हुई थी। ये जी गुड़िया का कैडेट वर्ल्ड हुआ था यहाँ पर बुल्गारिया के अंदर, और ये 29 से लेकर 4 तक के बीच हुआ था। और इस गुड़िया ने अपने वहाँ गोल्ड लिया है, और इसने 4 वर्ल्ड खेले हैं कैडेट वर्ल्ड। एक स्कूली वर्ल्ड में गोल्ड मेडल लिया, और एक 17 में है जो उसमें वर्ल्ड मतलब गोल्ड लिया इसने, और उसमें 57 किलो में। फिर उसके बाद में ये खेली 65 में, उसमें 3rd आया। ये भी इसके अंदर फिर ये भी 65 में फिर खेली है, ये भी इसके अंदर इसने गोल्ड लिया जी। महज 12 साल की उम्र से सोनम ने दंगल में कदम रखा और जी तोड़ मेहनत की, जिसका रंग ऐसा आया कि 17 साल की उम्र में अब 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर सोनम ने इतिहास रच दिया। सोनम रोजाना सुबह शाम अखाड़े में 4 घंटे कड़ी मेहनत करती हैं। सोनम ने पिछले साल भी गोल्ड हासिल किया था। इसकी बचपन से इच्छा थी, यहाँ अजमेर पहलवानी अकेडमी में आगे सूबेदार से रिटायरमेंट चला ली, यहाँ आते शाम सुबह जाते थे, इसकी रुचि होगी जो गेम में लगा दी। आज ये रिजल्ट आ रहे हैं, जो कुछ ये अजमेर की देन है, इसने अजमेर ने जो आगे मेहनत करी है उससे इसका फल मिल रहा है। सोनम मलिक का इस मेडल के साथ नेशनल वर्ल्ड कप के लिए भी चयन होना था, लेकिन कम उम्र होने से वो ट्रायल नहीं दे सकी। अब सोनम की नज़र साल 2024 में होने वाले वर्ल्ड कप पर है। सोनम पहलवान सुशील कुमार को अपना आइडियल मानती हैं। सोनम का सपना है कि वो भी सुशील कुमार की तरह खेलकर अपने देश का नाम रोशन करें। R9 TV के लिए गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट।